की कि सपना दीदी वीडियो बनाए, उनसे पहले ही मैं इनको बदनाम कर देती हूँ। सपना दीदी सच्चाई दिखाएंगी, वो कॉल रिकॉर्ड्स डालेंगे सारी चीज़ें, उससे पहले मैं उसको बदनाम कर देती हूँ। आपने जहाँ पे FIR करी है ना, आप मुझे बुला लेना, फिर वहाँ पे बोलना कि सपना दीदी के भाई ने वीडियो डाली थी, वो अच्छी बन के बैठ गई, और फिर क्या क्या बोला था आपने, सारा ये उनका गेम है। और उस रिकॉर्डिंग में क्या था कि मेरे ससुर जी माफ़ी मांग रहे हैं बार बार सपना दीदी से, क्योंकि सपना दीदी को मेरे पति ने गंदी गंदी गालियाँ दी थी। अब वो गालियाँ कल तक जो शिवी मैडम इतनी ज़्यादा फड़फड़ा रही थी, इतनी ज़्यादा न्याय की दुहाई मांग रही थी कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, सपना ने कितना अन्याय किया उनके साथ, उनके फैमिली तोड़ दिया सपना ने, उनके परिवार में फूंक डाल दी सपना ने, कहाँ है वो शिवी, गधे की दुम की तरह गायब हो गई वो शिवी। जब सपना ने सारे सबूत शिवी के नाम पर दिखा दिया, अब शिवी नहीं बोलेगी कुछ। जहाँ पूरा परिवार नाक लगा रहा था कि हमें माफ़ कर दो, ऐसा क्या कांड करा था शिवी के पति ने उस दिन फ्लैट के अंदर, सुनने में ये आया है कि जो शिवी के पति ने शिवी को बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करी थी। सपना को गाली गलौज करने से पहले शिवी और शिवी के पति में शायद गाली गलौज भी हुई थी, और शायद हाथापाई भी हुई थी, ये सब बातें नहीं बताएगा कोई सोशल मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो जो साहबजादे हैं शिवी का जो पति है, दो कौड़ी का जो रईस ज़्यादा, दो कौड़ी का बोलेंगे क्योंकि ऐसे दो कौड़ी की जो छपरी है ना, ऐसे गली गली घूमते हैं और अपने आप को है ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझते हैं कि किसी भी दुखियारी औरत को गाली बक देंगे और वो बच जाएंगे। फ्लैट के अंदर आरू आरूही के साथ खेलते खेलते ऐसा क्या हो गया था कि सपना ने इसको धक्के मार के फ्लैट से बाहर निकाल दिया? क्या किया था इसने, क्या हरकत ऐसी गंदी करी थी जो किसी औरत ने इसको धक्के मार के निकाल दिया? मेरा बस चलता तो उसको तो दो लात मार के निकालती, सपना ने तो उसे धक्का मार के निकाला था। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा परिवार इतना सोफिस्टिकेटेड होने का जो ड्रामा करता है, ये सब कुछ एक दिखावा है जस्ट व्यूज़ के लिए। शिवी ने जब अपना चैनल स्टार्ट करा था, सपना से दोस्ती ही उसने इसीलिए करी थी। बाद में उसने अपनी ननंद को भी सपना की इर्द गिर्द घूमना सिखा दिया था कि जैसे मेरा चैनल ग्रो हो गया, वैसे तू भी सपना के बदौलत थोड़ा बहुत तो कमाई ही लेगी।